नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। सीए विरोध के नाम पर दिल्ली में भारी उपद्रव किया जा रहा है। बड़ी बेरहमी के साथ सड़कों पर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लोगों के घरों पर पत्थर फेंके गए, आग लगाई गई, यहां तक कि पेट्रोल पंप को भी आग के हवाले कर दिया गया। विरोध के नाम पर ये लोग इतने आक्रोशित हो गए हैं कि इन्हें किसी की जान लेने में भी गुरेज नहीं हो रहा है। उपद्रवियों की ओर से की गई फायरिंग में हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत हो गई है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर विरोध प्रदर्शन के नाम पर उपद्रवियों की हिंसा को जायज कैसे ठहराया जा सकता है। जो लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं, क्या उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि रतन लाल भी भारतीय हैं? जो लोग लगातार सीएए का विरोध कर रहे हैं, उनका आरोप है कि सीएए कानून के जरिए उनकी नागरिकता छीनने की तैयारी है। जबकि भारत सरकार 100 दफे कह चुकी है कि सीएए नागरिकता छीनने नहीं देने का कानून है, लेकिन उपद्रवियों के बीच भ्रम है कि देशभर में एनआरसी लाया जाएगा, जबकि खुद प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह साफ कर चुके हैं कि फिलहाल एनआरसी की कोई बात नहीं हुई है, इसको लेकर कैबिनेट की कोई बैठक तक नहीं हुई है। इन सारी बातों के बीच भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि उपद्रव की भेंट चढ़े कांस्टेबल रतन लाल की मौत का जिम्मेदार कौन है? आखिर वह तो भारत के ही नागरिक थे, वह तो अपनी सेवा दे रहे थे। ऐसे में भला तथाकथित तौर पर अपनी नागरिकता बचाने की लड़ाई लड़ने वालों ने कैसे उनकी जान ले ली? विरोध के नाम पर हत्या की इजाजत किसने दी? हमारा संविधान सरकार के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या फैसले के प्रति विरोध जताने का अधिकार देता है, लेकिन विरोध के नाम पर किसी को नुकसान पहुंचाने की इजाजत कतई नहीं देता। सीए विरोध के नाम पर दिल्ली में हिंसा जारी है। एक हेड कांस्टेबल की हत्या और डीसीपी को चोटिल कर दिया जाता है, लेकिन सवाल उठता है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी राज्य के मुख्यमंत्री केवल सोशल मीडिया पर बयान देकर अपनी जिम्मेदारियों से कैसे मुक्त हो सकते हैं? हेड कांस्टेबल की मौत पर सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है, पुलिस हेड कांस्टेबल की मौत बेहद दुखदाई है, वह भी हम सब में से एक थे, कृपया हिंसा त्याग दीजिए, इससे किसी का फायदा नहीं, शांति से ही सभी समस्याओं का हल निकलेगा। इसके अलावा सीएम केजरीवाल की कोई भी सक्रियता जमीन पर नहीं दिख रही है। दिल्ली में पिछले 75 दिनों से विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है, लेकिन सीएम केजरीवाल ने एक बार भी उन्हें शांत कराने की कोई कोशिश नहीं की। वह हमेशा केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय पर बात टालते हुए दिखते हैं। चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मीडिया में बयान दिया था कि वह प्रदर्शनकारियों के साथ हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि चुनाव में उन्हें इसका नुकसान होगा तो वह अपने बयान को बदल लेते हैं। क्या दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को इसलिए लगातार दूसरी बार इतना मजबूत समर्थन दिया है कि वह केवल केंद्र सरकार पर टालमटोल करें? ऐसे वक्त में जब दिल्ली में हिंसा जारी है, तब क्या सीएम को हाथ पर हाथ धरे बैठा रहना चाहिए? क्या एक मुख्यमंत्री इतना कहकर बच सकते हैं कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है? शनिवार शाम से ही दिल्ली लगातार जल रही है और इस बीच हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत भी हो गई है। सवाल अब भी वही है कि क्या हेड कांस्टेबल रतन लाल भारतीय नहीं थे? जो लोग भारतीय होने का दावा करके लगातार हमले और प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे बड़ा सवाल पूछना चाहिए कि आखिर रतन लाल का कसूर क्या था, उन्हें क्यों मौत के घाट उतार दी गई एक विरोध प्रदर्शन के नाम पर? आप इस वीडियो में अपनी राय कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो पेज को सब्सक्राइब कर लें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।